MRF मद्रास रबर फैक्ट्री इंडिया की पहली कंपनी है जिसकी एक शेयर की कीमत 1,00,000 रुपए टच कर चुकी है। लेकिन सवाल है, दूसरी कंपनी भी बहुत सारी है लेकिन उनकी एक शेयर की कीमत 1,00,000 रुपए टच क्यों नहीं कर पाई। कंपनी की शेयर की प्राइस कब बढ़ती है? जब कंपनी कंसिस्टेंस अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाती है। लेकिन दूसरी कंपनी भी अपना प्रॉफिट और रेवेन्यू कंसिस्टेंस ग्रोथ दिखा रही है लेकिन सिर्फ MRF कंपनी की एक शेयर की प्राइस 1,00,000 रुपए क्यों हुई? MRF ने 1975 के बाद कभी भी अपना स्टॉक स्प्लिट नहीं किया, इसलिए एक शेयर की कीमत 1,00,000 रुपए हो गई। लेकिन ये स्टॉक स्प्लिट क्या है, चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक कंपनी है जिसकी एक शेयर की प्राइस 100 रुपए है। वो कंपनी सोचती है कि ये प्राइस बहुत ज्यादा है इन्वेस्टर लोगों के लिए, इसलिए वो 10:1 में स्टॉक स्प्लिट कर देती है। अब एक शेयर की प्राइस 10 रुपए हो गई है। चलिए और आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपके पास इस कंपनी का एक शेयर है और वो शेयर की कीमत 100 रुपए है और आप अब सुबह उठते हैं और देखते हैं कि आपके पास अभी 10 शेयर है। पहले तो आपके पास एक शेयर था लेकिन अब आपके पास 10 शेयर है लेकिन प्राइस वही है 100 रुपए। जब हम 10 × 10 करेंगे तो 100 रुपए होंगे और जब 1:10 करेंगे तो भी 100 रुपए। इसको स्टॉक स्प्लिट करते हैं। अब कोई भी जिसके पास 10 रुपए हैं वो भी इस कंपनी का शेयर खरीद सकता है लेकिन पहले एक शेयर खरीदने के लिए 100 रुपए देने पड़ते थे। और क्या आपको पता है दुनिया का सबसे महंगा शेयर कौन सा है? वॉरेन बुफेट की कंपनी बक्से हार्डवे जिसकी एक शेयर की कीमत 4.3 करोड़ है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।